नमस्कार, हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना राठौर। संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के गजादर गली का, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना जैसे ही मायके वालों को मिलती है तो मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ये उषा देवी हैं। इनकी शादी 20 वर्ष पहले राकेश से हुई थी। ये 20 वर्ष से इन्हें परेशान कर रहा था और आज राकेश और राकेश की भाभी ने उषा के साथ मारपीट की और जहर दे दिया। सबको गाड़ी में डालकर फेंकने ले जा रहे थे। हम लोगों ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी से सब निकाला और पुलिस को सूचना दी। जब तक वो लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो चुके थे और पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला के सबको लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाई। देखिए हमारे संवाददाता राजा यादव की ये रिपोर्ट। शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, क्या क्या घटना हुई है? मेरी बहन उषा देवी को मेरे बहनों ने मार दिया है जहर दे के, और उसके बाद जब जैसे हम पानपड़ा में पहुँचे तो घर में ताला लगा के भाग गए। अच्छा, मौत का कारण क्या रहा है? उनके भाभी से नाजायज संबंध थे। अच्छा। उसका मेरी बहन विरोध करती थी, उसकी मारपीट करते थे, इसलिए उन्होंने मार दिया है जहर दे के। अच्छा, जहर दे के मारा। जहर दे कभी ऐसे पहले भी मारपीट करते थे। अभी एक रक्षाबंधन भी कहता मैं तुम्हें मार दूंगा, 10 लाख खर्च कर दूंगा, पैसे तो लगेगा। और इससे पहले मेरी बहन की शादी से पहले एक शादी हुई थी इनकी, वो भी पत्नी उन्होंने मार दी थी आग लगा के। कितने बच्चे हैं आपकी बहन? मेरे 2 बच्चे हैं मेरी बहन पे। अच्छा, कितने बड़े बड़े हैं? एक बच्ची है 19 साल की, बच्चा 17 साल का। इस घटना के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरी भांजी ने देखा था, उसकी आगिंदो की घटना थी। अच्छा, उसने मुझे फ़ोन किया था। गाड़ी में ये ले जा रहे थे, डाले हंड्रेड की गाड़ी ने बचवाया है, क्या मामला ऐसा? ऐसा ही गाड़ी ऐसे ही जहर खाया, उसके बाद गाड़ी लेके भाग गई है। फिर इन्हें गाड़ी का पीछा किया तो ये वहाँ से उतर के भाग गए। गाड़ी तब बरामद कर ली, तब बॉडी मिल पाई ना, बॉडी भी जला देते फेंक देते। अपने FIR कराई है? हाँ, तैयारी दे दी हमने कोतवाली में। पुलिस ज़्यादा